हेलो दोस्तों, हमने फर्स्ट पार्ट के मेंसुरेशन में सीखा था क्यूबॉइड का फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला और सिलेंडर का फॉर्मूला। इस बार हम लोग सीखेंगे कोन का फॉर्मूला। पहले आइए हम बताते हैं कि कोन है क्या एक्चुअली में। देखिए, आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, जैसे जोकर की टोपी, आइसक्रीम, तो ये सारा किस शेप में होता है। अगर हम बात करें तो ये कुछ इस टाइप के शेप में होता है। इस शेप में होता है जोकर की टोपी, चाहे बोल दें या फिर आइसक्रीम। आइसक्रीम इसको उल्टा कर दे, आइसक्रीम के शेप में हो जाती है। इसकी जो डायमेंशंस होती है, ये जो सेंटर से जो लेंथ जाती है इसको हाइट बोलते हैं। जो ये तिरछी हाइट होती है, स्लांट हाइट होती है, उसको एल बोलते हैं। और नीचे जो सर्कुलर पार्ट होता है उसके हिस्से को रेडियस, आर से डिनोट करते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया, जैसे मैंने आपको बताया था, दो होते हैं, एक कर्व सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया की बात मैंने कही थी तो ये कहा था कि जो सरफेस कर्व हिस्से में हो, मीन्स अगर हम सिर्फ साइडों की बात करें, नीचे और ऊपर के हिस्से को हटा दें, तो उसको कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। जैसे सिलेंडर में जो कर्व वाला हिस्सा है, मतलब कि हमने क्या किया, सिलेंडर के इस ऊपर का जो सर्कल हिस्सा है और नीचे का सर्कल हिस्सा है, इसको हटा दिया, जो बाकी कर्व वाला हिस्सा बचा वो हमारे कर्व सरफेस एरिया में आएगा। इसी तरह से कोन के अंदर भी कर्व सरफेस एरिया और नीचे का सर्कल लगा दे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर हम देखें तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अभी मैं आपको इसके डायग्राम में समझाता हूँ और उसके बाद हम लोग चलेंगे कि प्रैक्टिकली इसको हम कैसे करें। तो इसके जो है, जो स्लांट हाइट हो गई, अब इसका कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, प्रोडक्ट ऑफ पाई रेडियस और जो स्लांट हाइट है उसका प्रोडक्ट होता है। दोस्तों, मैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया है और कैसे डिराइव हुआ है, ये आपको मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। फिलहाल हम लोग क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग सीधा फॉर्मूले की बात करेंगे और उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस करेंगे जो कि बाद में अगले वीडियोस में होंगे। दूसरी बात होती है वॉल्यूम की। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसको याद रखने का सीधा तरीका है कि जो कोन का वॉल्यूम है वो हमारे सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। 1/3 मीन्स 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 1/3 हमने कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। तो 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इस तरह से हम इसको इजीली याद रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे किसी नए फॉर्मूले के बारे में। तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं। और जो भी टॉपिक आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर किस तरह से उसको इजीली समझ सके उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो में जरूर शो करूंगा। थैंक यू।